एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बन रही है एक सब्जी, पर थोड़ी सी अलग स्टाइल में। तो यहाँ पे छोटी साइज़ की, मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ले ली है। उसको कट लगा देना है, आपको दो कट लगाने हैं इस तरह से, प्लस के जैसे। और फिर यहाँ पे एक टमाटर ले लिया है, उसको भी कट लगा लिया है। मिर्ची को भी कट इसीलिए लगा लिए ताकि वो फटे नहीं जब हम उसको कुक करें। तो इस तरह से सारी चीज़ें ले लिए, अदरक ले लिया, लहसुन का पूरा गुच्छा ले लिया है। और इन सबको मैंने जो ये मैं अच्छे से भून लेंगे घुमा के आगे पीछे की साइड। और फिर देखिए, इस तरह से हमारी प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च हो गई है रेडी। तो ठंडा होने के बाद इसके प्याज के हम अलग कर देंगे और अदरक लहसुन टमाटर को अलग कर देंगे और मिर्ची को भी। और प्याज में हम थोड़ा मैरिनेशन करेंगे, उसके लिए हम उसमें डालेंगे नमक, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा ऑयल, ये सब डाल के उसको थोड़ी देर कवर करके अलग रख देंगे मैरिनेट करके। इसमें जो कट लगाए हैं उसकी वजह से, और ये जो भुनी हुई प्याज है उसकी वजह से सारे मसाले अंदर तक उसकी फ्लेवर चली जाएगी। तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस तरीके से बनाने में, देखिए। तो सारे मसालों को कोट करने के बाद कवर करके साइड में रख देंगे। और यहाँ पे मसाला रेडी करेंगे। तो जो भुना हुआ लहसुन, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च, वो सबको मिक्सी में डाल के, देखिए भुने हुए के कारण फटाफट से ये सब छिल जाता है, इसको मिक्सी में डाल देंगे। साथ में एक चीज़ और डालेंगे, आगे आपको देखने को मिलेगी। ये सारे मसाले के साथ हम डाल देंगे ये भुनी हुई मूंगफली के दाने। आप मूंगफली को ऐसे भी ले सकते हो बिना भुने, पर भुनी हुई अगर रखिए तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब यहाँ पे पैन में ले लिया है मैंने मस्टर्ड ऑयल एक बड़ा चम्मच, जीरा डाल देंगे थोड़ा सा, राई डाल दिए, जीरा डाल दिया है, करी पत्ता डाल दिया है और थोड़ी सी हींग डाल दी है। सारी चीज़ें अच्छे से क्रैकल हो जाए तब उसमें हम जो मसाला रेडी करके रखा है मूंगफली वाला पेस्ट, वो डाल देंगे और उसको अच्छे से भुनेंगे ताकि जो भी अंदर से जो मॉइस्चर है, पानी है, वो अच्छे से सूख जाए और उसका टेस्ट, फ्लेवर, पूरे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। उतना भुनना है, ऑयल सेपरेट हो जाए। तो धीमी आंच पर पूरी प्रोसेस करनी है, वो प्रोसेस होती है। मीनवाइल हम यहाँ पे सूखे मसाले को थोड़ा भिगो के रख देंगे सोक करके। तो यहाँ पे हल्दी, नमक, धनिया पाउडर और जो लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, वो सब पानी डाल के मैंने मिक्स करके रख दिया है दो चम्मच जितना। यहाँ पे हमारा मसाला अच्छे से भून गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है। तो ये जो हमने भिगो के रखा है वो मसाला डाल देंगे और उसको भी अच्छे से मिला लेंगे, मिक्स करेंगे और धीमी आंच पर उसको भी अच्छे से भून लेंगे। जब सारे मसाले अच्छे से भून जाए तो ये प्याज जो भुनी हुई है उसको डाल देंगे। अपने जो ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से थोड़ा सा पानी डालेंगे। ज़्यादा ग्रेवी मैं इसमें नहीं रख रही हूँ, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब उसको कवर करके करीबन 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे धीमी आंच पर। और बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही सौंगी खुशबू वाली ये ग्रेवी वाली हमारी सब्जी रेडी है। ऊपर से धनिया डाल दिया है। तो आप भी इस तरह से बना के ज़रूर देखिए। इस सब्जी को पराठे के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी वो मुझे कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं कोई नई रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।